मेन मैन प्रेजेंटिंग गैलीवर्स ट्रबल्स। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गैलीवर है, जो एक मेल डिपार्टमेंट पे काम करता है। हम देखते हैं गैलीवर सुबह नींद से उठता है, वो अपने लिए कॉफी बनाता है, फिर नहा के तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में हम उसे अपने जूनियर डैन के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो अपने जूनियर डैन से पूछता है, इस मेल रूम से तुम क्या चाहते हो? इस पे डैन कहता है, यही के इस मेल रूम से जल्द मेरा प्रमोशन हो जाए। इस पे गैलीवर डैन से कहता है, तुम्हारे इरादे तो बहुत बुलंद है, तुम्हें जॉब मिल गई समझो। मेरा नाम लेमियुल गैलीवर है और मेरी टीम में तुम्हारा स्वागत है। और वो डैन की ओर अपने एक हाथ से मुक्का दिखा के उसे अपने साथ मुक्का मुक्की करने को कहता है। दरअसल गैलीवर को ऐसे मुक्का मुक्की करने की आदत होती है। उसका जूनियर डैन उससे कहता है, मुझे जॉब तो कल ही मिल गई थी। फिर हम देखते हैं गैलीवर डैन को लेके एडिटर रूम में जाता है, वहाँ सबको लेटर्स देता है और फिर वो दोनों बॉस के रूम में जाते हैं। डैन बॉस के साथ जाके अपना इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, सर शेयर मार्केट पर आपका आर्टिकल कमाल का था। इस पे बॉस कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, पर मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। फिर डैन अपनी ओर से और सारे रीडर्स की ओर से बॉस को थैंक्स कहता है। अब इस बात पे गैलीवर डैन को बाहर आके कहता है कि डैन ये तुम क्या कर रहे थे, तुम इस तरह से उन लोगों से बात नहीं कर सकते। इस पे डैन कहता है, क्यों? फिर गैलीवर कहता है, क्योंकि हम मेल रूम वाले लोग हैं और मेल रूम वालों को सिर्फ देखा जाता है, सुना नहीं। और सच तो यह है कि हमें तो देखा भी नहीं जाना चाहिए, उनका कद हमसे बड़ा है, हम छोटे मोटे लोग हैं। इस पे डैन कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल आप उनसे बात करने से डरते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डर्सी है, जो उस ऑफिस में एक ट्रैवल एडिटर का काम करती है और गैलीवर उसे बहुत पसंद करता है। उसे देखते ही गैलीवर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। डर्सी गैलीवर के पास आके पूछती है कि उसके लिए कोई मेल आया है कि नहीं। तभी गैलीवर नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि शायद, कह के वो लेटर्स ढूंढने लगता है। और तभी डैन डर्सी से अपना इंट्रोड्यूस करता है। फिर थोड़ी देर बाद डैन गैलीवर से कहता है, तुम डर्सी को चाय पे क्यों नहीं ले जाते? इस पे गैलीवर डैन से कहता है, उसे चाय पे बुलाना मेरे लिए 5 सेकंड का काम है, सिर्फ एक बार कहूंगा कि तुम मेरे साथ चाय पे चलोगी और वो हाँ कर देगी। फिर गैलीवर और डैन लिफ्ट से जा रहे होते हैं, तभी लिफ्ट में डर्सी आ जाती है और डैन वहाँ से ये कह के निकल जाता है, मुझे तो लिफ्ट में घुटन होती है। फिर गैलीवर और डर्सी लिफ्ट में अकेले होते हैं और गैलीवर फिर से नर्वस होने लगता है। डर्सी उससे पूछती है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? गैलीवर कहता है, बहुत ही बढ़िया। फिर डर्सी पूछती है, वीकेंड पे क्या कर रहे हो? गैलीवर कहता है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तभी लिफ्ट का डोर खुल जाता है और डर्सी वहां से चली जाती है। अब गैलीवर को अपने आप पे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी डर्सी लिफ्ट में फिर से वापस आ जाती है और कहती है, मैं कुछ भूल गई थी। गैलीवर कहता है, मैं भी। अब ये दोनों लिफ्ट में फिर से अकेले होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गैलीवर अपने ही ऑफिस में गिटार बजाते हुए फन कर रहा है। तभी डैन आ जाता है और गैलीवर उससे कहता है कि काम के बाद दोस्तों के साथ कुछ बियर शियर हो जाए। दरअसल गैलीवर यहाँ दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कर रहा है। इस पे डैन कहता है, मुझे नहीं जाना है, और खासकर तुम्हारे दोस्तों के साथ तो। अब गैलीवर कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम फिर कभी चलोगे, तुम चाहते हो कि कल अपने बॉस के सामने चुस्त दुरुस्त दिखो। फिर डैन कहता है, तुम अब मेरे बॉस नहीं रहे, मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं मेल रूम का हेड बन गया हूँ। इस पे गैलीवर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम अभी तो आए हो। डैन कहता है, उन्होंने अभी अभी मेरा प्रमोशन करवाया है, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। गैलीवर इस बात पे दुखी हो जाता है। डैन फिर कहता है, देखो गैलीवर, जिस वजह से तुमने डर्सी को कभी चाय पे नहीं बुलाया और ना ही कभी बुलाओगे, और वही वजह तुम्हें कभी इस मेल रूम से बाहर नहीं जाने देगी। तुम यहाँ 10 साल से हो गैलीवर, अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऑफिस में भी हंसी मजाक करते रहते हो और ये सब कुछ अच्छा भी लगता है, और तुम बस यही करते रहोगे, खोखली बातें, तुम्हारी सीमा बस यही तक है, और ये सारी बातें मैं तुम्हारे बॉस होने के नाते कह रहा हूँ। ये कह के डैन जाने लगता है। फिर कहता है, कल 7 बजे ऑफिस आ जाना, बहुत सारी चेंजेस करनी है, और हाँ, काम के वक्त ये वीडियो गेम खेलना तुम्हें बंद करना होगा। ऐसा कह के डैन वहाँ से चला जाता है। अब गैलीवर बहुत ही मायूस होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैलीवर ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी वो डर्सी के रूम में जाता है, और जब डर्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था, तब गैलीवर डर्सी के टेबल से ट्रैवलिंग के ऊपर आर्टिकल लिखने का एक एप्लीकेशन फॉर्म उठाता है और कहता है, मैं बस ये लेने आया था। फिर डर्सी पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग पे लिखने के लिए अप्लाई करना है? तभी गैलीवर कहता है, हाँ मुझे करना है। फिर गैलीवर ये भी कहता है कि उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और वो यहाँ वहाँ घूमता भी रहता है। फिर डर्सी उससे कुछ सैंपल लिख के लाने को कहती है और कहती है वो गैलीवर की मदद करने की कोशिश करेगी। फिर हम देखते हैं गैलीवर अपने घर में ट्रैवलिंग पे आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं पाता है। फिर वो इंटरनेट में टाइम आउट मैगजीन में मैक्सिको का एक आर्टिकल देखता है और वो मैक्सिको पे लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस ट्रैवलिंग राइटर के बुक का एक आर्टिकल ढूंढता है और उसी आर्टिकल का कॉपी करके अगले दिन वो उसे डर्सी को दिखाता है। डर्सी बहुत ही
ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और गैलीवर को बर्मुडा के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए बर्मुडा जाने को कहती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैलीवर बर्मुडा जाने के लिए निकल पड़ता है। वो अकेले ही बोट में करके बर्मुडा जाने लगता है और समुन्द्र में बीच रास्ते में गैलीवर सो जाता है। वो सोते हुए डर्सी और चीज बर्गर का सपना देखने लगता है। तभी उसका बोट समुन्द्र में तूफान की ओर चला जाता है। गैलीवर की जब नींद खुलती है तब वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल पे पानी भर जाने की वजह से उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। और थोड़ी देर में समुन्द्र के बीच जो भंवर होता है गैलीवर बोट के साथ उसमें गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गैलीवर लिलीपुट साम्राज्य में पहुंच गया है, जो कि एक अलग ही दुनिया होती है। गैलीवर को लिलीपुट साम्राज्य के लोग बंदी बना के अपने राजा थियोडोर के पास लेके जाते हैं। वहाँ के लोग गैलीवर को एक दानव समझने लगते हैं और फिर उसे वहाँ कैद करके रखा जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती लिलीपुट साम्राज्य के एक आदमी से होता है जो वहाँ की राजकुमारी से प्यार करता है। इसी वजह से उसे भी वहाँ पे कैद करके रखा गया है, जिसका नाम होरेशियो है। वो गैलीवर से कहता है, मुझे अफसोस है कि मेरे देशवासियों ने आपको यहाँ ऐसे कैद करके रखा हुआ है और मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। इस बात पे गैलीवर कहता है, क्या इस पूरे कैद खाने में तुम अकेली ही कैदी हो? होरेशियो कहता है, हाँ, और मुझे इस कैद खाने में डालने वाला यहाँ का जनरल एडवर्ड एडवर्डियन है। और मेरा कसूर है कि मैंने राजकुमारी मेरी को चाहत भरी नजरों से देखा, जो कि उसकी मंगेतर है। इस पे गैलीवर कहता है, बस इतनी सी बात के लिए उसने तुम्हें कैद करके रखा? इस बात पे होरेशियो कहता है, दरअसल मैं एक आम इंसान हूँ और वो लोग बहुत ही ऊंचे औहदे वाले लोग हैं। उन लोगों से दोस्ती करने के लिए कोई बहादुरी का काम करना पड़ता है और मैंने अब तक कोई भी ऐसा बहादुरी का काम नहीं किया है। फिर गैलीवर कहता है, ऐसा मत कहो, तुम कोई ना कोई बहादुरी का काम जरूर करोगे। और गैलीवर ये भी कहता है, ये एडवर्ड एक नंबर का घनचक्कर है। अब यही बात जनरल एडवर्ड आके सुन लेता है और कहता है कि तुमने मुझे घनचक्कर कहा, ये जरूर कोई बुरी बात है। इस पे गैलीवर कहता है, घनचक्कर का मतलब है बहुत ही बहादुर, हिम्मत वाला और शेर दिल इंसान। तभी एडवर्ड खुश होके कहता है, फिर तो हम बहुत बड़े घनचक्कर है, हम इस देश के सबसे बड़े घनचक्कर है। फिर गैलीवर कहता है, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम एक घनचक्कर हो तो तुम मेरी बेड़िया क्यों नहीं खोल देते? इस बात पे एडवर्ड कहता है, नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी से यहाँ बहुत काम करना पड़ेगा। अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है गैलीवर से यहाँ काम करवाया जा रहा है। तभी लिलीपुट साम्राज्य में उनके दुश्मन लेफ्यूशियस का हमला हो जाता है और दुश्मनों का एक सेना आके राजमहल में आग लगा देता है। तभी यहाँ पे दो बार घंटी बजती है। होरेशियो जनरल एडवर्ड से ये कहता है, आग लगी है क्योंकि दो बार घंटी बजी है। लेकिन जनरल एडवर्ड कहता है, दो बार नहीं, तीन बार घंटी बजी है, इसका मतलब हमला हुआ है। तभी गैलीवर समझ जाता है कि यहाँ पे हमला भी हुआ और आग भी लगी है। अब दुश्मन ब्लेफ्यूशियस राजकुमारी मेरी को अगवा करने जाते हैं। जनरल एडवर्ड राजकुमारी को बचाने जाता है। फिर होरेशियो गैलीवर से कहता है, वो राजकुमारी को बचा नहीं पाएगा, आप कुछ कीजिए, बोल के होरेशियो गैलीवर की जंजीरें खोल देता है। ब्लेफ्यूशियस राजकुमारी को अगवा करने ही वाले होते हैं। तभी गैलीवर उनको अपने हाथ से उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देता है और राजकुमारी को अपने हाथ में उठा के वहां से ले जाता है और बचा लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से घंटी बजती है। इसका मतलब ये होता है कि आग बेकाबू हो गई है और राजमहल के अंदर राजा और उनका एक सेवक फंसा हुआ है। अब इस आग को बुझाने के लिए बहुत पानी की जरूरत है और तभी गैलीवर उस आग को बुझाने के लिए उस पे यूरिन पास करने लगता है। तभी वहाँ जनरल एडवर्ड आ जाता है और गैलीवर से कहता है, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमारे अजीम बादशाह पर खुद को हल्का करो। और तभी गैलीवर एडवर्ड की तरफ देखता है और उस पर भी यूरिन पास कर देता है। इस बात से एडवर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें दीवारों पे चुन दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं राजा की जान बच जाती है और फिर राजा सारे प्रजाओं के सामने कहता है, हमें बचाने वाला ये राक्षस। और फिर यहाँ सभी राक्षस के नाम के जयकार के नारे लगाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैलीवर को राजमहल में दावत पे बुलाया जाता है, लेकिन गैलीवर अपने दोस्त होरेशियो को भी दावत में बुलाने के लिए कहता है। वो कहता है, होरेशियो के बिना वो दावत पे नहीं जाएगा। फिर राजा की तरफ से होरेशियो को भी दावत पे बुलाया जाता है। गैलीवर राजमहल की दावत पे जाता है। तभी उससे पूछा जाता है कि अगर आप लेफ्यूशियस नहीं हो तो कहाँ से हो? और पूछा जाता है, क्या आप कोहरे के दीवार के उस पार से आए हो जहाँ पे जाने की कोई हिम्मत नहीं करता? अब इस बात पे सारे लिलीपुट्स घबराने लगते हैं, लेकिन गैलीवर कहता है, मैं किसी कोहरे के दीवार के उस पार से नहीं आया हूँ, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। अब गैलीवर अपने आप को अमेरिका का राष्ट्रपति बताता है। फिर उससे पूछा जाता है, क्या आप एक बहुत कामयाब राष्ट्रपति थे? फिर एडवर्ड कहता है, फिर तो तुम्हें अपने देश वापस चले जाना चाहिए। गैलीवर कहता है, लेकिन मैं अपने बोट के बिना नहीं जा सकता। अब राजा कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बोट ढूंढ देंगे, लेकिन जब तक बोट नहीं मिलती तब तक हम आपके रहने
करने के लिए इंतजाम करेंगे। अब कहानी में आगे दिखाया जाता है, लिलीपुट के लोग गैलीवर के बोट को ढूंढ निकालते हैं। एडवर्ड गैलीवर से कहता है, हमने तुम्हारे बोट को ढूंढ लिया है। गैलीवर अपने बोट के पास जाता है। बोट की हालत बहुत ही खराब होती है, बिल्कुल टूट चुका होता है। गैलीवर लिलीपुट के लोगों से उसे ठीक करने को कहता है और उस वक्त उसे वहाँ पे अपना मोबाइल भी मिल जाता है जिसमें डर्सी के 12 वॉइस मैसेजेस आ चुके होते हैं और जिसमें डर्सी गुस्से में कहती है कि गैलीवर तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो वहीं पे छुपे रहना, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्योंकि डर्सी को ये बात पता चल चुका होता है कि गैलीवर ने उससे झूठ बोला था और वो ट्रैवलिंग पे आर्टिकल उसने खुद नहीं लिखा था बल्कि उसने किसी से कॉपी किया था। अब इस बात से गैलीवर बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर आगे हम देख पाते हैं राजा थियोडोर जनरल एडवर्ड को सेनापति के पद से निकाल देते हैं और उसकी जगह पे गैलीवर को लिलीपुट का नया सेनापति बनाया जाता है। अब इस बात से गुस्सा होकर एडवर्ड लिलीपुट की सुरक्षा व्यवस्था को बंद कर देता है और ये देखते ही दुश्मन लिलीपुट साम्राज्य पर फिर से हमला कर देते हैं। फिर जब गैलीवर को बुलाया जाता है तो गैलीवर इस बार भी लिलीपुट को बचा लेता है। इस बात से लिलीपुट वासी गैलीवर पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सारे लिलीपुट साम्राज्य में गैलीवर की बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं एडवर्ड राजकुमारी मैरी के कमरे में आता है। मैरी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो एडवर्ड से पूछती है, आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? एडवर्ड कहता है, हम इस वक्त आपसे मोहब्बत की बातें करने आए हैं। मैरी नाराज होकर कहती है, ये कोई मोहब्बत की बातें करने का वक्त नहीं है, आप ऐसे हमारे कमरे में नहीं आ सकते। इस पे एडवर्ड कहता है, तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अब मैरी कहती है, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। गैलीवर आपके बारे में बिल्कुल सही कहता है, आप एक बेदर्द और बदतमीज इंसान है और आपकी हरकत एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है। अब गैलीवर का नाम सुनते ही एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, गैलीवर एक बदसूरत राक्षस है। तभी मैरी एडवर्ड को अपने कमरे से निकल जाने को कहती है और एडवर्ड कहता है, हमारे खिलाफ जाके तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर एडवर्ड गुस्से में आके गैलीवर को मारने के लिए लिलीपुट साम्राज्य के दुश्मन ब्लेफ्यूशियस के राजा के पास जाता है और गैलीवर को खत्म करने के लिए साजिश रचता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है लिलीपुट पे फिर से एक बार हमला होता है और इस बार गैलीवर के सामने एडवर्ड होता है। एडवर्ड एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर से गैलीवर के साथ फाइट करता है। गैलीवर ये देख के घबरा जाता है। लिलीपुट के लोग गैलीवर से कहते हैं, आप हार नहीं मान सकते, आपको इसे हराना ही होगा। फिर राजा कहता है, आप गजब के राष्ट्रपति है, आपने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। अब इस पे गैलीवर उन सबसे कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने झूठ कहा था, मैं तो ऑफिस का एक मामूली मुलाजिम हूँ। फिर राजा कहता है, आपने हमसे वादा किया था। फिर गैलीवर कहता है, मुझे माफ करना। अब यहाँ पे लिलीपुट के लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और एडवर्ड गैलीवर को लिलीपुट से निकाल के कोहरे के दीवार के उस पार छोड़ देता है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं गैलीवर को लिलीपुट से निकालने के बाद लिलीपुट साम्राज्य में सब कुछ बदल जाता है। अब लिलीपुट साम्राज्य का नाम बदल के ब्लेफ्यूशियस रखा जाता है। अब गैलीवर को ढूंढने के लिए डर्सी भी वहाँ पे पहुंच जाती है और फिर डर्सी को भी बंदी बना के कैद खाने में रखा जाता है। और गैलीवर जो कि अब एक राक्षस जैसी लड़की के कब्जे में होता है और वो लड़की उसे एक छोटी सी गुड़िया बना के रखती है। अब गैलीवर को यहाँ पे इस राक्षस जैसी लड़की के मर्जी से जीना पड़ता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन होरेशियो गैलीवर के पास आता है। वो उससे कहता है, ब्लेफ्यूशियस ने लिलीपुट पे कब्जा कर लिया है और डर्सी अब एडवर्ड के कब्जे में है। और वो ये भी कहता है कि आपको लिलीपुट को और डर्सी को जाके बचाना चाहिए। और ये बात सुन के गैलीवर फिर से लिलीपुट में वापस आ जाता है। फिर गैलीवर डर्सी और राजा रानी को कैद खाने से छुड़ा लेता है। तभी डर्सी को ये पता चल जाता है कि गैलीवर उससे प्यार करता है। फिर कहानी में आगे हम देखते हैं गैलीवर लिलीपुट को आजाद करने के लिए एडवर्ड से लड़ता है। अब गैलीवर और एडवर्ड की लड़ाई शुरू हो जाती है। एडवर्ड फिर से वही रोबोट के अंदर से गैलीवर पे हमला करने लगता है। शुरू में गैलीवर कमजोर पड़ने लगता है। तभी होरेशियो गैलीवर की मदद करता है, वो रोबोट के अंदर जाके रोबोट के वायर्स को निकाल देता है और फिर आखिर में गैलीवर एडवर्ड को हरा देता है और एक बार फिर से लिलीपुट वासी गैलीवर पे खुश हो जाते हैं। फिर राजा थियोडोर होरेशियो से कहता है, तुमने एक बहुत ही बहादुरी का कारनामा किया है और हम तुम्हें अपनी बेटी के साथ शादी करने की इजाजत देते हैं। इस बात पे सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब डर्सी भी गैलीवर को किस कर लेती है। अब आखिर में गैलीवर और डर्सी अपने देश में वापस आ जाते हैं और इस तरीके से गैलीवर का लिलीपुट साम्राज्य का सफर यहीं पे खत्म होता है। फिर कहानी के आखिर में हम देखते हैं गैलीवर अब अपनी लाइफ में डर्सी के साथ बहुत ही खुश है और अब वो एक बेहतरीन राइटर है। लिलीपुट की इस अद्भुत सफर
ने कैलिवर को एक बहुत बड़ा राइटर बना दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।